दोस्तों आज एक बेहतरीन पोएम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ला बेल डेम सन्स मर्सी। इसका टाइटल फ्रेंच लैंग्वेज में है जिसका इंग्लिश मीनिंग है द ब्यूटीफुल लेडी या द ब्यूटीफुल वूमन विदाउट मर्सी, अर्थात एक दयाहीन सुंदर स्त्री। इसके पोएट हैं एक फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। जॉन कीट्स का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 को और ट्यूबरक्लोसिस अर्थात टीबी रोग से ग्रसित होकर 26 वर्ष की छोटी सी आयु में 23 फरवरी 1821 को इनकी मृत्यु हो गई। इस पोएम में पोएट कहते हैं कि बिना कुछ सोचे विचारे किसी अजनबी के सौंदर्य को देखकर उसके प्रेम में पड़ जाना हमें बहुत ही खतरनाक अंजाम तक ले जा सकता है। और बताते हैं कि इस पोएम में जिस योद्धा का वर्णन किया गया है वह भी एक ऐसी ही स्त्री के जाल में फंस गया था। और बताते हैं कि उस दयाहीन स्त्री ने पहले भी बहुत से राजाओं, राजकुमारों और योद्धाओं को इसी तरह से मोहित किया था और फिर उनके साथ छल करके वहां से चली गई। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। ओ व्हाट कैन एल द नाइट एट आर्म्स एलोन एंड पेली लोइटरिंग द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग। ओ हे व्हाट क्या चीज कैन सकती है एल परेशान दी तुम्हें। नाइट सामंत या योद्धा एट आर्म्स शस्त्रों से सुसज्जित। हे शस्त्रों से सुसज्जित सामंत तुम्हें क्या चीज परेशान कर सकती है या हे शस्त्रों से सुसज्जित सामंत तुम इतने परेशान क्यों हो। एलोन अकेले एंड पेली तेजहीन अर्थात उनके चेहरे का जो तेज है, जो उनके चेहरे का रंग है वह अब उड़ चुका है अर्थात उनका चेहरा अब पीला पड़ चुका है। लोइटरिंग भटक रहे हो तुम अकेले और तेजहीन चेहरे के साथ यहाँ क्यों भटक रहे हो। हे शस्त्रों से सुसज्जित सामंत तुम इतने परेशान क्यों हो। तुम अकेले और तेजहीन चेहरे के साथ यहाँ क्यों भटक रहे हो। द सेज दलदली पौधा या घास हैज चुकी है विदर्ड मुरझा फ्रॉम द लेक झील के पास की। झील के पास की घास मुरझा चुकी है एंड नो बर्ड सिंग और कोई भी पक्षी पहचान नहीं रहा है। पोएट योद्धा से पूछ रहे हैं कि हे शस्त्रों से सुसज्जित सामंत तुम इतने परेशान क्यों हो। यद्यपि झील के पास की घास मुरझा चुकी है और कोई भी पक्षी पहचान नहीं रहा है फिर भी तुम तेजहीन चेहरे के साथ यहाँ अकेले क्यों भटक रहे हो। ओ व्हाट कैन एल द नाइट एट आर्म्स सो हैगर्ड एंड सो वो बिगोन द स्क्वेल्स ग्रेनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट डन। ओ हे व्हाट क्या चीज कैन एल परेशान कर सकती है दी तुम्हें। नाइट एट आर्म्स शस्त्रों से सुसज्जित सामंत हे शस्त्रों से सुसज्जित सामंत तुम्हें क्या चीज परेशान कर सकती है यह है शस्त्रों से सुसज्जित सामंत तुम इतने परेशान क्यों हो। सो हैगर्ड इतने थके मांदे एंड और सो वो बिगोन इतने शोक संतप्त हे शस्त्रों से सुसज्जित सामंत तुम इतने परेशान इतने थके मांदे और इतने शोक संतप्त क्यों हो। द स्क्वेरल्स अर्थात गिलहरी का ग्रेनरी अन्नागार या अन्न भंडार इज फुल भर चुका है। गिलहरी का अन्न भंडार भर चुका है एंड द हार्वेस्ट डन और फसलें भी काट ली गई हैं अर्थात किसान भी अपनी फसलें काट चुके हैं। हे शस्त्रों से सुसज्जित सामंत तुम इतने परेशान इतने थके मांदे और इतने शोक संतप्त क्यों हो। यद्यपि गिलहरी का अन्नागार भी भर चुका है और किसानों ने भी अपनी फसलें काट ली हैं अर्थात अब यहाँ कोई नहीं आएगा फिर भी तुम यहाँ क्यों भटक रहे हो। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज फास्ट विदर्ड टू। आई मैं सी देखता हूँ अर्थात मुझे दिखाई दे रहा है अ लिली एक कुमुदनी ओन पर दाई तुम्हारे ब्रो माथे पर। मुझे तुम्हारे माथे पर एक कुमुदनी दिखाई दे रही है अर्थात तुम्हारा माथा पीला पड़ चुका है। विद से एंग्विश मॉइस्ट अत्यधिक वेदना के कारण एंड फीवर ड्यू और बुखार के पसीने के कारण। मुझे दिख रहा है कि अत्यधिक वेदना और बुखार के पसीने के कारण
तुम्हारा माथा पीला पड़ चुका है, एंड और ऑन दाई चीक्स तुम्हारे गाल अ फेडिंग रोज, एक मुरझाए हुए गुलाब की भांति फास्ट विदर्ड टू, उनका रंग भी उड़ चुका है। पोएट सामंत से कह रहे हैं कि मुझे दिख रहा है कि अत्यधिक वेदना और बुखार के पसीने के कारण तुम्हारा माथा कुमुदनी की भांति पीला पड़ चुका है और तुम्हारे गालों का रंग मुरझाए हुए गुलाब की भांति फीका पड़ चुका है। आई मेट अ लेडी इन द मीड्स फुल ब्यूटिफुल अ फेयरी चाइल्ड, हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फुट वॉज लाइट एंड हर आइज वर वाइल्ड। आई मेट, मैं मिला अ लेडी, एक स्त्री से, इन द मीड्स, घास के मैदानों में, मैं घास के मैदानों में एक स्त्री से मिला, फुल ब्यूटीफुल, अत्यधिक सुंदर, अ फेयरी चाइल्ड, जैसे कि किसी परी की पुत्री हो। मैं घास के मैदानों में एक स्त्री से मिला, वह अत्यधिक सुंदर थी मानो कि वह किसी परी की पुत्री हो। हर हेयर वाज लॉन्ग, हर हेयर, उसके बाल, वाज लॉन्ग, लंबे थे, हर फूट, उसकी चाल, वाज लाइट, मदमस्त थी, उसके बाल लंबे थे और उसकी चाल मदमस्त थी, एंड हर आइज, और उसकी आंखें, वर थी वाइल्ड। वाइल्ड का अर्थ होता है जंगली, लेकिन हम लगाएंगे प्यार और उत्साह से भरी हुई, अर्थात उसकी आंखें प्यार और उत्साह से भरी हुई थी। अब सामंत पोएट को बताते हैं कि मैं घास के मैदान अर्थात चरागाह में एक स्त्री से मिला, वह अत्यधिक सुंदर थी और वह ऐसे लग रही थी जैसे कि वह किसी परी की पुत्री हो, उसके बाल लंबे थे और उसकी चाल मदमस्त थी और उसकी आंखें प्यार और उत्साह से भरी हुई थी। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड एंड ब्रेसलेट्स टू एंड फ्रेग्रेंट जोन, सी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव एंड मेड स्वीट मौन। आई, मैंने, मेड, बनाया अ गार्लैंड, एक गजरा, फॉर, लिए, हर, उसके, हेड, सिर, हेड का अर्थ होता है सिर लेकिन यहाँ लगाएंगे बाल, मैंने उसके बालों के लिए एक गजरा बनाया, एंड और ब्रेसलेट्स टू, और हाथों के लिए कंगन भी, एंड फ्रेग्रेंट जोन, फ्रेग्रेंट जोन अर्थात करधनी या कमरबंद, मैंने उसके बालों के लिए एक गजरा, हाथों के लिए कंगन और एक सुगंधित कमरबंद बनाया। सी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, सी, उसने, लुक्ड, देखा, एट मी, मेरी ओर, उसने मेरी ओर देखा, एज, जैसे कि, सी डिड लव, जैसे कि वह मुझसे प्रेम करती हो, उसने मेरी ओर इस प्रकार देखा जैसे कि वह मुझसे प्रेम करती हो, एंड मेड स्वीट मौन, और मीठी आहें भरी, मैंने उसके बालों के लिए गजरा, हाथों के लिए कंगन और एक सुगंधित कमरबंद बनाया, और उसने मेरी ओर इस प्रकार देखा जैसे कि वह मुझसे प्रेम करती हो और मीठी आहें भरी। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड एंड नथिंग एल्स साल डे लॉन्ग, फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बैंड एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग। आई, मैंने, सेट, बैठाया हर उसको, ऑन, पर, माई, मेरे, पेसिंग स्टीड, मंद गति से दौड़ते हुए घोड़े पर, मैंने उसको अपने मंद गति से दौड़ते हुए घोड़े पर बैठाया, एंड नथिंग, और कुछ नहीं, एल्स, इसके अलावा, सा, देखा, ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन, और मैंने इसके अलावा सारा दिन कुछ नहीं देखा, मैंने उसको अपने मंद गति से दौड़ते हुए घोड़े पर बैठाया और इसके अलावा सारा दिन मैं कुछ नहीं देख पाया, फॉर, क्योंकि, साइड लॉन्ग, एक और, वुड सी बैंड, वह झुक जाया करती थी या झुकी हुई थी, एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, और गा रही थी एक परियों का गीत। मैंने उसे अपने मंद गति से दौड़ते हुए घोड़े पर बैठाया और मैं सारा दिन इसके अलावा कुछ और नहीं देख पाया क्योंकि वह एक और को झुकी हुई थी और एक परियों जैसा गीत गा रही थी। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रैली स्वीट एंड हनी वाइल्ड एंड मनाड्यू एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सैड आई लव द ट्रू। सी, उसने, फाउंड, दिए, मी, मुझे, रूट्स, कंदमूल ऑफ रैली स्वीट,
मीठे और जायकेदार। उसने मुझे मीठे और जायकेदार कंदमूल लाकर दिए, एंड और हनी वाइल्ड जंगली शहद, एंड और मना देवताओं का या देवी है ड्यू पे। उसने मुझे खाने के लिए कंदमूल जंगली शहद और एक पेय दिया जो कि दिव्य भोजन जैसा लगता था, एंड श्योर और विश्वास दिलाया इन में लैंग्वेज भाषा स्ट्रेंज विचित्र, और एक विचित्र भाषा में उसने मुझे विश्वास दिलाया। सी सैड, उसने कहा आई लव, मैं प्यार करती हूँ। दी, तुम्हें, ट्रू, सच्चा। और उसने मुझे एक विचित्र भाषा में विश्वास दिलाया और कहा कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। सामंत पोइट को बताते हैं कि उस स्त्री ने मुझे खाने के लिए कंदमूल जंगली शहद और एक दिव्य पेय दिया जो कि देवताओं के भोजन के जैसा लगता था, और उसने मुझे अपनी विचित्र भाषा में विश्वास दिलाया और कहा कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोट एंड देयर सी वेप्ट एंड साइड फुल सोर एंड देयर आई सट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज विद किसेज फॉर सी। वह टुक ले गई मी मुझे टू हर अपनी एल्फिन ग्रोट परियों वाली गुफा में। वह मुझे अपनी परियों वाली गुफा में ले गई, एंड देयर और वहाँ सी वह वेप्ट एंड साइड फुल सोर अर्थात आहें भरकर रोने लगी। वह मुझे अपनी परियों वाली गुफा में ले गई और वहाँ वह आहें भरकर रोने लगी, एंड देयर वहाँ आई शट हर वाइल्ड वाइल्ड आईज। आई मैंने शट बंद कर दी हर उसकी वाइल्ड वाइल्ड आईज प्यारी प्यारी आंखें विद किसीज फोर चुंबन करके, और फिर मैंने उसकी प्यारी प्यारी आंखों को चुंबन करके बंद कर दिया। वह मुझे अपनी परियों वाली गुफा में ले गई और वहाँ वह आहें भरकर रोने लगी, और फिर मैंने उसकी प्यारी प्यारी आंखों को चुंबन करके बंद कर दिया। एंड देयर सी लल्ड मी अस्लीप एंड देयर आई ड्रीम्ड आह वो बिटाइड द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल्स साइड। एंड और देयर वहाँ सी उसने लल्ड लोरी गाकर मी मुझे अस्लीप सुला दिया, और वहाँ उसने मुझे लोरी गाकर सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड और फिर मैंने एक स्वप्न देखा आह वो बिटाइड बहुत ही भयानक, और वहाँ उसने मुझे लोरी गाकर सुला दिया, और फिर मैंने एक बहुत ही भयानक स्वप्न देखा द लेटेस्ट ड्रीम अंतिम स्वप्न आई एवर ड्रीम्ड जो कि मैंने देखा है ओन पर द कोल्ड हिल साइड बर्फीली पहाड़ी पर, और वह अंतिम स्वप्न है जो मैंने इस बर्फीली पहाड़ी पर देखा है। सामंत बताते हैं कि जो स्त्री उनको उस गुफा में ले गई थी फिर उसने लोरी गाकर मुझे सुला दिया, और वहाँ मैंने एक बहुत ही भयानक स्वप्न देखा, और वह स्वप्न इस ठंडी पहाड़ी पर देखा गया मेरा अंतिम स्वप्न था क्योंकि मैं उसके बाद से कभी भी सो नहीं पाया। आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू पेल वॉरियर्स डेथ पेल वर दे ऑल दे क्राइड ला बेल डेम सेंस मर्सी हैथ दीन थ्राल। आई मैंने सा देखा पेल पीले किंग्स राजाओं को, एंड और प्रिंसेस टू राजकुमारों को भी, पेल वॉरियर्स पीले योद्धाओं को, डेथ पेल मृत शरीर के समान पीले, वर दयाल वे सभी लग रहे थे। मैंने बहुत से राजाओं राजकुमारों और योद्धाओं को देखा, और वे सभी मृत शरीर के समान पीले और दुर्बल दिखाई दे रहे थे। दे क्राइड वे चिल्ला रहे थे ला इस बेल सुंदर डेम महिला संस बिना मर्सी दया की हैथ चुकी है दी तुम्हें इन थ्राल वश में या जाल में, और वे चिल्ला रहे थे कि इस दयाहीन सुंदर स्त्री ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। सामंत बताते हैं कि उस स्वप्न में मैंने बहुत से राजाओं राजकुमारों और योद्धाओं को देखा, और वे सभी मृत शरीर के समान पीले और दुर्बल दिखाई दे रहे थे, और वे चिल्ला रहे थे
कि इस दयाहीन सुंदर स्त्री ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। आई सा देर स्टार लिप्स इन द ग्लूम विद हॉरिड वार्निंग एप्ट वाइड एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हियर ऑन द कोल्ड हिल्स साइड। आई मैंने सा देखा देर उनके स्टारुड सूखे लिप्स होठों को इन में द ग्लूम हल्की रोशनी। मैंने हल्की रोशनी में उनके खुले हुए होठों को देखा। विद हॉरिड वार्निंग भयानक चेतावनी दे रहे थे। गैप्ड वाइड खुलकर जो कि खुलकर भयानक चेतावनी दे रहे थे। मैंने हल्की रोशनी में उनके सूखे हुए होठों को देखा जो कि खुलकर भयानक चेतावनी दे रहे थे। एंड और आई अवोक मैं जाग गया एंड और फाउंड मी हियर और अपने आप को यहाँ पाया। ओन पर द कोल्ड हिल्स साइड बर्फीली पहाड़ी पर और फिर मैं जाग गया और अपने आप को यहाँ इस बर्फीली पहाड़ी पर पाया। मैंने हल्की रोशनी में उनके सूखे हुए होठों को देखा जो कि खुलकर भयानक चेतावनी दे रहे थे और इसके पश्चात मैं जाग गया और अपने आप को इस बर्फीली पहाड़ी पर पाया और जब मैं जागा तो वह स्त्री वहाँ नहीं थी। एंड दिस इज वाई आई सजन हियर एलोन एंड पेली लोइटिंग दो द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग। एंड और दिस इज वाई यही कारण है या इसलिए ही आई मैं सजन रुका हुआ हूँ या ठहरा हुआ हूँ हियर यहाँ और यही कारण है कि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ एलोन अकेला एंड पेलली तेजहीन चेहरे के साथ लोइटरिंग भटक रहा हूँ। दो यद्यपि द सेज दलदली पौधा या घास हैज चुकी है विदर्ड मुरझा फ्रॉम द लेक झील के पास की। एंड और नो बर्ड कोई भी पक्षी सिंह गाता नहीं है और यही कारण है कि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ और अकेला और तेजहीन चेहरे के साथ यहाँ भटक रहा हूँ। यद्यपि झील के पास का जो दलदली पौधा है झील के पास की जो घास है वह मुरझा चुकी है और कोई भी पक्षी यहाँ पर चहचहा नहीं रहा है क्योंकि यहाँ अब कोई भी पशु पक्षी नहीं है।